प्रॉफिट 54, 42, 39, 67, 59. निकालो एवरेज. What has given 54, 42? 2,61,000, 2,61,000. There are 5 years profit divided by 5. $52,200. This is average profit. Net assets means capital. Capital is 2 lakh. It's 20%. It is normal profit 40,000. Then super profit is average profit is 52,200. First we have to capitalize 52,200 into 100 upon normal rate of return 20%. So वापस क्या आ गया 2,61,000. This is capitalized value. Then goodwill is equal to capitalized value minus capital. Capital is 2 lakh and it is 61,000. First, we have to calculate average profit because it has not given. We have various profit, 5 years profit we have. Then we have to calculate the average profit of last 5 years divided by 5. It is 52,200. Now, capitalization of this average profit. 52,200 into 100 upon normal rate of return, 100 upon 20, 2,61,000, and capital 2 lakh, remaining is 61,000, that is goodwill. Business has earned average profit of 4 lakh during the last few years. ये हो गया, पहले मैं करा दूं आगे. कर लो. Next, business has average profit rupees 4 lakh during the last few years. Normal rate of return is 10%. Now, find the value of goodwill by capitalization of super profit, and super profit method goodwill is valued 3 year purchase of super profit. And assets of the business were 40 lakh, liabilities 7,20,000. अब ये दूसरा वाला मेथड पढ़ना है, by capitalization of super profit. Earlier we have seen super profit is equal to actual average profit minus normal profit. ऐसा अपने super profit मेथड में किया है. अब capitalization में क्या होता है? इसमें direct goodwill निकलती है. Goodwill is equal to by capitalization of
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू गुडविल. एंड व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? अर्लियर वी हैव सीन इन सेकंड मेथड. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. वही है जो अपन ने सेकंड में किया. लिखो पहले इसको. हो गया. अब देखो सबसे पहले निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट. इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट लिखा एवरेज प्रॉफिट इज 4 लाख. पहले नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू एनआरआर अपॉन 100. कैपिटल. अब लाइबिलिटीज और असेट दे रखा, तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज 40 लाख माइनस 7 लाख 20, तो कितना आ जाएगा 38. ये हो गया 32 लाख, 32,80,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. द एनआरआर इज 10%. इट इज 328,000. इज इट क्लियर? अब माइनस 3,28,000 एंड व्हाट इज द एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट? 4 लाख. तो सुपर प्रॉफिट 72,000. या तो क्लियर है, ये पहले किया अपन ने सेकंड मेथड. देन गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन इनटू 100 अपॉन एनआरआर बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट 72,000 इनटू 100 अपॉन 10, तो कितना आ गया 7,20,000. तो पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से तो गुडविल आ गई 7,20,000. ठीक है, ये पहले वाले का आंसर है. फर्स्ट का आंसर हो गया. सेकंड में दे रखा है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. अब 3 ईयर परचेज का मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू 3. सुपर प्रॉफिट 72,000 इंटू 3 ईयर परचेज 2,16,000. इट इज गुडविल. हो गया. हाँ,
नेक्स्ट What has given? Firm earns profit rupees 5 lakh. This is not, this is actual or average profit. Normal rate of return is 10%. Total assets 55 lakh. Liabilities 14 lakh. Value the goodwill, capitalization of super profit method and average profit method. Dono ke capitalization se calculate karna. First, पहले इसको कर लेते हैं. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट. कैपिटल 55 लाख माइनस 14 लाख. कितनी कैपिटल आ गई? 41 लाख. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. 4,10,000 इज नॉर्मल प्रॉफिट. And what is the actual or average profit? 5 lakh. Then it is super profit 90,000. Super profit 90,000. Now capitalization of super profit. 90,000 into 100 upon 10. It is 9 lakh. Then by capitalization of super profit, goodwill is 9 lakh. और हमेशा कैपिटलाइजेशन के दोनों में सेम कैपिटल सेम गुडविल आती है. अब आता है सेकेंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट. क्या फॉर्मूला है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 5 लाख. इसको कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? 5 लाख इंटू 100 अपॉन 10. सेकेंड, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट. 5 लाख इंटू 100 अपॉन 10, तो ये कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 50 लाख. देन व्हाट इज द गुडविल? गुडविल इज इक्वल टू 50 लाख कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल. कैपिटल इज 41 लाख, डिफरेंस इज 9 लाख. देन गुडविल इज 9 लाख.
हो गया भाई। नेक्स्ट ऑन 1st April 2018 फर्म हैड असेट्स रुपीज 1 lakh एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000 करेंट लाइबिलिटीज वर 10,000 बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8% द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000 एट 4 year परचेज ऑफ सुपर प्राइट फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। सबसे पहले गुडविल दे रखा 60,000 एंड इट इज 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो पहले सुपर प्रॉफिट क्या आएगा? अरे तो आसान है, किया 24,000 रुपए वाला क्वेश्चन किया था। गुडविल दे रखा 60,000 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, देन व्हाट इज द सुपर प्रॉफिट? डिवाइडेड बाई 4, तो सुपर प्रॉफिट इज 15,000। पढ़ाई नहीं कर रहे हो यार, दिक्कत हो जाएगी। देख लो गुडविल इज इक्वल टू 60,000, इट इज 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट इनटू 4 इज 60,000। देन सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 4, इट इज 15,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000। अब क्या दे रखा है? अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज 15,000, एक्चुअल प्रॉफिट अपन को कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल इनटू एनआरआर अपॉन 100। व्हाट इज द कैपिटल? पढ़ो। फर्म के एसेट्स है 1 lakh, स्टॉक एक्सक्लूडिंग स्टॉक, स्टॉक को छोड़कर है, जबकि एसेट्स सारी होनी चाहिए, तो टोटल हो गई 1,20,000। अब ये कह रहा है कि करेंट लाइबिलिटीज वर 10,000। पढ़ा 11th क्लास अपन ने बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट दे समझना है आपको। टोटल असेट दे रखी है अपने पास 1,20,000, इसका मतलब होता है नॉन करेंट असेट्स और प्लस करेंट असेट्स इज इक्वल टू 1,20,000। यहां पर क्या होता है, असेट्स सॉरी लायबिलिटीज होती है और कैपिटल होती है। ये कह रहा है कि करेंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है 10,000, इसमें से अगर ये निकाल देंगे तो क्या बचेगा 1,10,000, तो कैपिटल कितनी आ गई 1,10,000। एक बार ये क्लियर है क्या? पहले अरे ये तो समझाने के लिए करा, नहीं तो वैसे सीधे निकलता असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल होता है। ये पूरी असेट्स माइनस लायबिलिटीज पे बचे कैपिटल, तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,10,000, 8% है तो 8/100 कितना आ जाएगा 8,800, ये हो गया 8,800। अब एक्स इधर आ जाएगा माइनस, ये उधर चला जाएगा माइनस 8,800 माइनस 15,000, तो माइनस 23,800 माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 23,800। करो
क्लियर है सारा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स 1,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इफ सुपर प्रॉफिट इज 50,000, अगर सुपर प्रॉफिट 50,000 है और कैपिटलाइज करना है, सीधा सिंपल है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या करते हैं, जो भी सुपर प्रॉफिट होता है उसको 100 अपॉन एनआरआई कर दो बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला देखो, थोड़ी देर पहले लिखा है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या करते हैं, 100 सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआई। सुपर प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 50,000 इनटू 100 अपॉन 10, इट इज 5 लाख एंड इट इज गुडविल। हो गया? कर ले एक और आगे फटाफट। नेक्स्ट देखो, राजा ब्रदर्स अर्न एवरेज प्रॉफिट 30,000, कैपिटल 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालो, तो उसके लिए चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल इज 2 लाख, कैपिटल दे रखा तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल रुपीज 2 लाख, एनआरआर 10%, इट इज 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज है 30,000, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 30,000 माइनस 20,000, इट इज 10,000 सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। सुपर प्रॉफिट कितना था, 10,000, 100 अपॉन 10 एंड इट इज 1 लाख, गुडविल इज 1 लाख। करो जल्दी से। ठीक है, कल आगे करते हैं।